तो दोस्तों सबसे पहले आपको धन एप्लीकेशन ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन एक्टिवेट है, इक्विटी वाला। अगर इसके बाद इसमें ETFs और फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर इसमें करेंसी और कमोडिटी, अगर इसमें से आप किसी भी सेगमेंट में कोई शेयर खरीदना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें से कोई भी सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है। जैसे कि अभी मैं क्लिक करता हूँ फ्यूचर पर, तो अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है एक्टिवेट नाउ, फ्यूचर एंड ऑप्शन नॉट एक्टिवेटेड फॉर यू। ठीक है, तो अभी ये हमें यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सिंपल, अगर मैं इसको बैक करूँ और मैं करेंसी या फिर कम्युनिटी पर क्लिक करूँ तो सेम यही बताएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो फिर से यही ऑप्शन आ रहा है। तो अभी ये दोनों ही सेगमेंट मुझे एक्टिवेट करने पड़ेंगे, और जब मैं फ्यूचर या फिर ऑप्शन में कोई भी एक एक्टिवेट कर लेता हूँ तो बाकी के सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उसकी 6 मंथ की स्टेटमेंट निकाल लें, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, मतलब कि फिर उसको आप इधर अपलोड कर दें। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड करी हुई है। तो मैं अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करूँगा तो ये सीधा हमें लेके जाएगा वहीं पर, मतलब कि जहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में उसको रखा है। तो अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट नंबर पर ही है पेटीएम की हिस्ट्री, तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद इसका पासवर्ड है तो मैं पासवर्ड भी इधर डाल देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों ये टिक है तो ये टिक आपको लगा ही रहने देना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा बेल्डन मानसिंह, योर एप्लीकेशन फॉर इनेबलिंग न्यू सेगमेंट इज सबमिटेड, मतलब कि जो मैं करना चाहता था तो उसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है तो वो सबमिट हो गया है। अभी इसमें यूजली 2 से 3 दिन का टाइम है तो वो लगेगा, उसके बाद हमारा इस सेगमेंट एक्सचेंज के थ्रू अप्रूव्ड हो जाएगा, मतलब कि वो जब इसको कन्फर्म कर देंगे उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना स्टेटमेंट 6 मंथ का अपलोड करके अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।